Let's start the B part. 5 by 9 plus 4 by 9. This will be your answer. Miss Rubab, why Miss Rubab is your favorite teacher? उनका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है और जो मुश्किल चीज़ होती है वो मेरे लिए समझा के बहुत आसान कर देती हैं। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम फेस होती मैं उनको उनके साथ शेयर करती हूँ। और क्या आपके बच्चे आपके उर्दू पढ़ाने के अंदाज से मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, मेरा पढ़ाने का तरीका। लेकिन ये हकीकत है कि जैसे कहा जाता था कि जो आप देंगे वही आप पाएंगे, वो साथ जो आज भी बच्चों को प्यार और इज्जत देते हैं वो यकीनन प्यार और इज्जत पाते हैं। So, happy teachers day. Happy teachers day also, sir. And for all the teachers. Okay, here we go. Round and round, round and round, round and round. Here we go. Round and round, all day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन ऑफ पाकिस्तान में मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद फाहद अब्बास। आज 5 अक्टूबर 2021 वर्ल्ड टीचर्स डे के मौके पर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज टीचर्स डे के मौके पर हम एक स्कूल में मौजूद हैं। यहां पर हम आपको दिखाएंगे कि स्टूडेंट्स ने अपने टीचर्स को खराज तहसीन पेश करने के लिए किस तरह से आज की एक्टिविटी को प्लान किया। आइए, हम मुस्लिम उम्मा दुनिया को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम लोग अपने असातिज़ा कराम का एहतराम दिलो जान से करते हैं। तो आज स्कूल में किस तरह से टीचर्स को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए तकरीब का इनेकाद किया गया है, आपको इन सब चीज़ों से आगाह करते हैं। Let's start the B part. 5 by 9 plus 4 by 9. When we add fractions, we have to add only numerators. 5 plus 4 9. What will be the denominator? 9. Very good. This will be your answer. जी नाज़रीन, हमारे दरमियान मिस रुबाब मौजूद हैं। She is math teacher. अभी हमने देखा कि इनके स्टूडेंट्स ने बहुत आर्टिस्टिक वे में अपने टीचर को टीचर्स डे पर ट्रिब्यूट पेश किया। तो हम मिस रुबाब से जानते हैं कि आज टीचर्स डे के मौका पर ये कैसा महसूस कर रही हैं। जी मिस रुबाब। जी, आज टीचर्स डे है और हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, बिकॉज इट इज़ अ डे ऑफ एप्रिसिएशन फॉर अ टीचर एंड स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड, दे आर पेइंग ट्रिब्यूट टू देयर टीचर्स एंड इट इज़ अ वेरी बिग डे फॉर अ टीचर। जी नाज़रीन, अब हम स्टूडेंट्स से जानते हैं कि इनकी फेवरेट टीचर के बारे में इनके आज क्या व्यूज़ हैं और टीचर जो कि इनके रोल मॉडल हैं, इनकी पर्सनैलिटी पे उनका किस कदर अफेक्ट या रिफ्लेक्शन हमें दिखता है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? मैमुना मुश्ताक। मैमुना, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट? इंग्लिश इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट। एंड योर फेवरेट टीचर? मिस इरम, वेरी नाइस। This play card made by you? Yes, mashallah, very good. Ji beta, what's your name? Dua Adil. Dua Adil, which is your favorite subject? Math.
And your favorite teacher? Miss Rubab. Why Miss Rubab is your favorite teacher? उनका पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा है और जो मुश्किल चीज़ होती है वो मेरे लिए समझा के बहुत आसान कर देती हैं। मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम फेस होती है मैं उनको उनके साथ शेयर करती हूँ अपना प्रॉब्लम, और फिर वो जो मुश्किल होती है वो मुझे बहुत आसान कर देती हैं। मुझे सारी टीचर का वेरी नाइस। सो इट मीन्स कि आज आपके पास चांस है कि आप अपनी ऑल टीचर्स को थैंक्स कह सकें। यस। और आपको पता है ना कि टीचर्स मामा बाबा की तरह होते हैं। yes. हमारे पेरेंट्स की तरह होते हैं। yes. आप रिस्पेक्ट करती हैं उनकी। yes. ओके, आप क्या बनेगी बड़े हो गए? डॉक्टर। डॉक्टर बनेगी। वेरी नाइस। जी नाज़रीन, हमारे साथ उर्दू की उस्तानी मिस ज़ारा रेहान मौजूद हैं। हम मिस ज़ारा से ये दरियाफ़्त करते हैं कि आम तौर पर ये देखा जाता है कि उर्दू बहुत मुश्किल मज़मून है और बच्चों को इसके सीखने में बहुत दुश्वारी का सामना होता है। आप किस तरह से करवा रही हैं और क्या आपके बच्चे आपके उर्दू पढ़ाने के अंदाज से मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, दुनिया में कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। बच्चे माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। मेरा पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है कि इनको आसान जबान में समझाया जाए तो ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और उसका रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है। माशाल्लाह, आज बच्चों ने आपको बहुत प्यारे प्यारे से कार्ड्स गिफ्ट किए, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा। हमें तो बहुत एक्साइटेड है कि मतलब टीचर्स डे के हवाले से भी हमारा दिन सेलिब्रेट किया जाता है और बहुत खुश हैं हम। और ये कार्ड्स तो हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से संभाल कर रखेंगे अपने घर। थैंक यू मिस ज़ारा, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमारे साथ स्कूल की सीनियर टीचर मिस रिफत मौजूद हैं। शी इज़ साइकोलॉजिस्ट। हम मिस रिफत से ये जानेंगे, भले वक्तों में असातिज़ा कराम का बहुत एहतराम किया जाता था, लोग पैदल मीलों सफ़र तय करके अपने इल्म की प्यास से सराब होते थे। असातिज़ा कराम का इस कदर एहतराम किया जाता था कि उनके घुटनों में बैठा जाता था, उनसे सीखने की लगन और तड़प हुआ करती थी और उस दौर के बच्चे बाअदब और बातमीज़ हुआ करते थे। फिर क्या हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता कदरें बदलती रही, मुल्क तरक्की करता रहा और हम बहुत सी वैल्यूज़ खोते रहे। हम इस सफ़र से ये जानना चाहेंगे कि तरक्की के इस सफ़र में हमारे आज के तालिब इल्मों ने क्या खो दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच सर। ये हकीकत है कि हमारे बच्चे बहुत सारे इकदार भूल चुके हैं। वो इज़्ज़त और वो प्यार जो पहले वक्तों में तालिब इल्म अपने उसातिज़ा को दिया करते थे वो अब बहुत कम मिलता है। उसकी वजह शायद ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है, बहुत सारा कुछ मीडिया पर भी बच्चे ऐसा देखते हैं जो उन्हें किसी हद तक उन इकदार से दूर लेके जाया जा रहा है। लेकिन ये हकीकत है कि जैसे कहा जाता था कि जो आप देंगे वही आप पाएंगे, वो उसातिज़ा जो आज भी बच्चों को प्यार और इज़्ज़त देते हैं वो यकीनन प्यार और इज़्ज़त पाते हैं। और तारीख इस बात पर गवाह है कि जिन्होंने उसातिज़ा कराम का एहतराम किया, तरक्की उन्हीं का मुकद्दर बनी। मिस, ये बताइए, जो आज हमारे ये बच्चे कार्टून के एडिक्टेड हो चुके हैं, तो क्या कार्टून्स देखने से इनकी शख्सियत पर असर हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसा है। जो कुछ मीडिया पे बच्चे देखते हैं या जो अपने इर्द गिर्द जिस माहौल में बच्चे टाइम स्पेंड करते हैं वो उसका बहुत असर लेते हैं। अगर यही कार्टून्स और यही डॉक्यूमेंट्रीज एजुकेशन से रिलेटेड हों या उन्हें कुछ ऐसा मैसेज दिया जाए जो उनके अखलाकियात को बेहतर बनाए, तो आप एक क्लियर डिफरेंस बच्चों में देखेंगे। यकीनन जो हम दिखा रहे हैं हमारी जनरेशन उसी तरह की हमारे सामने आएगी। एक आम मुशाहिदा है कि आज के जो बच्चे हैं इनमें एंग्जाइटी, डिप्रेशन और टेंशन्स जैसी प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, और हम देखते हैं कि ये बच्चे माँ बाप इनको लेके साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। तो पहले दौर में तो ये सब चीज़ें नहीं थी, आज का बच्चा इतना पैम्पर्ड है या कमज़ोर है, क्या वजह है? एक्चुअली आज हमने बच्चों को यकीनन बहुत कमज़ोर बना दिया है, जबकि हम उन्हें फेलियर देखने के काबिल नहीं बनाते। हम उन्हें ये नहीं बताते कि फेलियर इज़
इज़ अ चांस टू मूव वन स्टेप. बच्चे उसे डिसहार्ट हो जाते हैं, फिर आपको पता है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, मेरिट को बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया जाता है जिससे बहुत सारे बच्चे डिसहार्ट होते हैं, देन दे मूव टू डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी एंड ऑल अदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. लेकिन इसमें यकीनन माँ बाप के साथ उस्तादसा का एक बहुत बड़ा किरदार है कि वो उनके अंदर मोटिवेशन पैदा करें और फाइटिंग स्पिरिट पैदा करें. आखिर में अपने स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मेरा पैगाम अपने तमाम स्टूडेंट्स को यही है कि हम हमेशा ये सुनते रहे कि बाअदब बानसीब होता है. आज आप अपने बड़ों को, अपने उस्तादसा को इज़्ज़त दें तो यकीनन कामयाबी आपके तरफ लौटकर ज़रूर आएगी. आप वो सब देखें और वो सब सीखें जो आपको अखलाकियात सिखाए और आपको अपने इकदार के करीब करे, और अपने अंदर फाइटिंग स्पिरिट पैदा करें ताकि आप अपने फेलियर्स को भी अपने लिए एक चैलेंज समझ के आगे बढ़ सकें. बहुत खूबसूरत पैगाम कि अपने फेलियर्स से कभी भी मायूस ना होइएगा, बल्कि ये एक वो मौका है जो आपको आगे ले जा सकता है. और बहुत खूबसूरत बात की मिस ने कि बाअदब बानसीब बेअदब बेनसीब. जी नाज़रीन, इस स्कूल में पाक चाइना दोस्ती को मद्देनज़र रखते हुए चाइनीज़ लैंग्वेज भी सिखाई जाती है और नेटिव चाइनीज़ टीचर्स का अहतमाम किया गया है. आज हमारे साथ मिस गाओ यिन मई, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज टीचर हैं और बहुत ही लगन के साथ इस स्कूल में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही हैं, और मुझे इत्तेफ़ाक़ हुआ बच्चों से मिलने का, उनसे बातचीत करने का. देखकर बहुत खुशी हुई कि बच्चे चाइनीज़ के बहुत से अल्फाज बोल सकते हैं और समझ सकते हैं. जी नाज़रीन, आइए आपको मिस गाओ यिन मई से मिलवाते हैं. नी हाँ. 是，今天是教师节。आज चूंकि World Teachers Day है, तो Chinese में इसको चियाओ शे चिए कहा जाता है. वुमन शांग वैन जी का शुरुआत जिन दिन चियाओ शे चिए नी शी हुआन.大家好，我是 ZGAS 学校的中文老师。今天是教师节，我非常的荣幸，也非常的开心。在这里呢，穆斯林里说。要让每个人学会去爱，每个人教会他们去爱别人。ZGAS 学校呢，他一直在教这些孩子们怎么去爱，而且我们感受到了，学生们对我们的。जी नाज़रीन, मिस गाओ यिन मई हमें ये बता रही हैं कि पाकिस्तान के जिस स्कूल में ये पढ़ा रही हैं, यहाँ पर चाइनीज़ लैंग्वेज का इनअकाद एक खुश आइन बात है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना आपस में दोस्त हैं और ये ज़ुबान सीखने से आज के बच्चों को आने वाले कल में बिज़नेस के बहुत से मौके चाइना के साथ करने के हासिल होंगे. मिस कहना चाहती हैं कि मुस्लिम की तालीमात में, मुसलमान की तालीमात में तालीम और तरबियत को बहुत अहमियत हासिल है और हम असातिज़ा किराम को बहुत इज़्ज़त और एहतराम से देखते हैं. तो इस स्कूल के बच्चे मिस गाओ को बहुत ही इज्जत के साथ इनके साथ पेश आते हैं और इनका एहतराम करते हैं. ZGAS 学校呢给学生们提供良好的教育和丰富的知识。我在 ZGAS 几年，感觉这个学校它的突飞猛进，所以说这也是我非常欣慰的事情。今天是教师节，我在这里祝孩子们学业有成。也祝老师们教师节快乐。मिस बता रही हैं कि आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि बच्चे अपने घरों से कुछ चीज़ें बनाकर, जैसा कि प्ले कार्ड या फिर आर्टिफिशियल फ्लावर्स और केक्स लेकर आए और अपनी अपनी फेवरेट टीचर्स को बच्चों ने पेश किया. तो जो बच्चे चाइनीज़ लैंग्वेज को और मिस गाओ को पसंद करते थे, इन्होंने जो चीज़ें इनको दी, ये बता रही हैं कि मेरे दिल के बहुत करीब थी. आज मेरी फीलिंग्स, मेरे एहसास बहुत सेंटीमेंटल हैं. मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने घर चाइना में मौजूद हूँ. मिस गाओ यिन मई, शे शे नी नी गए वोमन शे जियान नी थाउलूंग वोमन द पाकिस्तान रेन था मैन गए नी शो ख्वाइन लाए पाकिस्तान. नाज़रीन, आपकी तरफ से इस स्कूल के बच्चों और पेरेंट्स की जानिब से हमने मिस गाओ का शुक्रिया अदा किया, और इंशाल्लाह हमारे ये बच्चे पढ़ लिख कर
मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक चाइना दोस्ती पाइंदाबाद। जी नाज़रीन, आज टीचर्स डे का मौका पर बच्चों और टीचर्स के साथ वक्त गुजार के बहुत अच्छा महसूस हुआ। मुझे अपना बचपना याद आ गया। अब हमारे दरमियान स्पोर्ट्स टीचर और इंग्लिश स्पोकन टीचर मौजूद हैं, मिस बिकी, शी इज फिलिपिनो। कैन वी ड्राइव? Yeah, we drive and we speak. How are you? What's your name? My name is Vicky sir, and of course I'm dying. Good. So, happy Teacher's Day. Happy Teacher's Day also sir. And to all the teachers all in the this teachers. World. Okay, what you are teaching? English subject sir. So that the, our students will learn how to speak English. Good. So, your students gave you some play cards and little things? Of course sir, I am very happy because this is my first time here in Pakistan and this is my first time that all my students greeted and give me a card. And of course this is very very memorable for me. And of course if I'm going home I will tell my family in my country that all my students greeted and gave me a card, and most of all that cards that all my students given to me I will put in my wall. So good. Every time I will see that. जी नाज़रीन, मिस बिकी हमें बता रही हैं कि इनका पाकिस्तान में पहला मौका है कि यहाँ पर टीचिंग का नहीं है। इनके स्टूडेंट्स ने आज इनको प्ले कार्ड्स दिए, फ्लावर्स दिए, डिफरेंट बुकेज दिए। तो ये कहना ये चाह रही हैं कि जब मैं घर जाऊँगी उसको अपने शोकेस में डिस्प्ले करूँगी और अपने फैमिली फ्रेंड्स को फिलिपीन और पाकिस्तान में उनसे शेयर करूँगी अपने हैप्पी मोमेंट्स कि आज ये किस कदर खुश हैं। सो यू ऑल्सो टेक सम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़? यस सर, just like a badminton. Yes sir. I also saw that some table tennis games were there. Who is taking table tennis? Of course Mr. Tony sir. Mr. Tony? Yes sir. Hello Mr. Tony, how are you sir? You can join us here. Good afternoon. Good afternoon, have a seat please. Yes, thank you. This is our BMW. Yes. You like it? I love it. It's a Rolls Royce. So Mr. Tony, you are sports teacher here. Yes, how do you feel? I feel happy to be here in the first place. I feel happy to teach the children, you know, as much as I can with all my faithfulness and ability, and it feels good because the children communicate with me and participate in all the games. They are very interested. So today, as it is a teacher's day, your children gave you something? Well, of course. How they greet you? They greeted me with some cards. It's posted in the wall and it says to like best teacher, and I was overwhelmed with happiness. You see, it is only here now that I received this from my students. So I thank them all very much. Yes. जी नाज़रीन, मिस्टर टोनी ये बता रहे हैं कि बहुत ईमानदारी के साथ और लगन के साथ अपने बच्चों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ करवाते हैं। टेबल टेनिस इज़ अ वेरी टफ गेम जिसमें हमारी फ़ाइन मोटर स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं। तो सर टोनी बता रहे हैं कि बच्चों के फ़ाइन मोटर स्किल्स को ये इन्हांस करते हैं। आज इनके स्टूडेंट्स ने इनको भी ग्रीट किया, हैप्पी टीचर्स डे सेलिब्रेट किया, बच्चे इनके लिए केक लेके आए और मिल के इन्होंने केक खाया। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में हमारे इन मेहमान दोस्तों का आना और हमारे पाकिस्तानी बच्चों और उनकी फैमिलीज़ का अपने मेहमान टीचर्स और दोस्तों को इस तरह से अप्रीशिएट करना, ये हमारा थोड़ा इम्तियाज़ है। Here we go in the merry-go-round all day long. Okay, here we go round and round, round and round, round and round. Here we go round and round all day long. Bye bye. Thank you very much. Thank you. Bye-bye. See Thank you. You. We'll see you. Shukriya. उस्ताद पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है, लोहे को पिघला कर तांबा बनाता है और बंजर जमीन को सींच कर खलियान बनाता है। उस्ताद मोमार है, लोहार है, किसान है और इंतहाई वाजिबुल एहतराम है। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट को। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।